हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार बहुत स्कूटर चलते हैं यार। ऑनेस्टली मैं रेगुलरली स्किन केयर करता हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई स्किन केयर इज ओनली एसोसिएटेड विद विमेन एंड देर आरंट इनफ मैन टॉकिंग अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट स्किन केयर इज एंड हाउ ग्रेट इट फील्स। आई थिंक इट्स थेरेप्यूटिक। इनफैक्ट पिछले एक डेढ़ साल में मेरी स्किन काफ़ी इंप्रूव हुई है बिकॉज ऑफ माय स्किन केयर रूटीन। सो आई थॉट दैट आई विल स्टार्ट दिस वीडियो सीरीज विच इज़ कॉल्ड स्किन केयर इज फॉर एवरीवन, बिकॉज इट रियली इज फॉर एवरीवन यार। योर जेंडर डजंट मैटर। ऑनेस्टली आई एम अ वेरी इंडिसिप्लिन पर्सन, सो मेरे सोने का टाइम नहीं है, मेरे उठने का टाइम नहीं है, मेरे खाने का टाइम नहीं है। बट द वन थिंग दैट आई ऑलवेज एंड अप डूइंग, एक तो ये सारे स्कूटर, द वन थिंग दैट आई एम वेरी डिसिप्लिन अबाउट इज माय स्किन केयर। आई नो तुम लोगों ने मेरे को मोस्टली कॉमेडी करते हुए देखा है एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम अटेम्प्टिंग समथिंग लाइक अ स्किन केयर वीडियो एंड आई होप ये कॉमेडी ना हो जाए। सो लेट्स बिगिन। यार देखो, इस वीडियो का ना बहुत सिंपल पॉइंट है। आई नो दैट अ लॉट ऑफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर स्किन एंड आई वॉन्ट टू शो यू गाइज हाउ सिंपल इट इज। सारी गाड़ियाँ अभी निकलो, अभी निकलो, सब निकलो। परेड लगा रखी है यहाँ पे। भाई यार ये कैसा लॉकडाउन है एंड होपफुली यू विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन। और अभी वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है गाइज, अभी अपॉर्चुनिटी है, एक रूटीन बना लो अपना सो दैट व्हेन यू गेट बैक टू योर नॉर्मल लाइव्स यू आर ऑलरेडी इनटू द हैबिट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन। आई एम कीपिंग इट वेरी वेरी बेसिक सो दैट यू गाइज कैन एक्चुअली स्टार्ट फॉलोइंग इट फ्रॉम टुडे। एंड इसको तुम 7-10 दिन तक भी फॉलो कर लो तो विल सी द डिफरेंस इन 7-10 डेज। आई मीन I hope so. I mean, I hope. I shouldn't have said that actually. Guarantee, warranty, कोई नहीं कर रहा हूँ मैं. I'm not a skincare expert. अब ये सब करने के बाद तुम्हारे चेहरे पे broccoli उग गई तो उसकी guarantee कोई नहीं है. पहली बता रहा हूँ. This works for me, so I'm telling you guys, and it works on most people. ठीक है? So yes, I'm already nervous. Shit. Okay, let's do this. Guys, सबसे पहला step है to identify your skin type. ठीक है? बहुत सारे skin types होते हैं. Some people have dry skin, which basically means that their skin is dry. Then some people have oily skin, which means that their skin is oily. And then there's combination skin, which basically means कि भगवान confused हो गए थे कि आपको देना क्या है, कौन किस टाइप की स्किन देनी है। तो उन्होंने बेसिकली दोनों मिला मिला के लो, तुम सारी दुनिया की प्रॉब्लम तुम ही रखो। माई स्किन टाइप however is called AMKM. AMKM stands for अपनी मर्जी का मालिक। मतलब बेसिकली जब मन चाहे पिंपल आ जाता है, जब मन चाहे वाइट हेड आ जाते हैं, कभी कभी शक्ल पर रेगिस्तान बन जाता है, इतनी ड्राई हो जाती है, और कभी कभी तो मतलब इतना ऑयली लगता है, इतना ऑयली लगता है कि गौरी खान की याद आ जाती है। तो अभी जो मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ, दैट स्किन केयर रूटीन इज कॉल्ड CTM. CTM स्टैंड्स फॉर क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड इट एक्चुअली वर्क्स, लाइक इट रियली रियली वर्क्स। सो चलो स्टेप वन पे जाते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर वन इज क्लेंजिंग। डिफरेंस समझो, एक होता है फेस वॉश, एक होता है फेस स्क्रब। फेस वॉश वॉशेज योर फेस एंड फेस स्क्रब स्क्रब्स योर फेस। For example, any honey based or any aloe vera based or any neem based face wash will work on everyone. I get a lot of pimples sometimes, so I mostly use this Lotus ka tea tree face wash because tea tree is great for acne. But ye abhi khatam ho chuka hai. To aajkal main use kar raha hu Clean and Clear ka pimple clearing face wash. Theek hai? So sari baratein aaj hi nikalni hai. But now let's come to the face scrub. ना फेस स्क्रब क्या करता है? फेस स्क्रब आपके फेस से डर्ट तो निकालता ही है, बट इट ऑल्सो रिमूव द डेड स्किन सेल्स, जिसकी वजह से आपकी स्किन पैची लगती है या फिर अनइवन स्किन टोन लगता है या फिर व्हाइट हेड जाते हैं या ब्लैक हेड जाते हैं। आउट ऑफ 7 days, 2 days वी गोना यूज द स्क्रब एंड द रेस्ट ऑफ द 5 days वी गोना यूज द फेस वॉश। नाउ सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्टार्टिंग द स्किन केयर रूटीन फ्रॉम टुडे, स्टार्ट विद द स्क्रब बिकॉज देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि आप लोगों ने अपनी स्किन स्क्रब नहीं करी होगी। एंड देन लेट्स से 3-4 दिन बाद आप फिर से स्क्रब करो, बट बीच में जिस दिन आप स्क्रब नहीं कर रहे हो उस दिन आप फेस वॉश करो। आई डोंट थिंक दोनों चीजें करने की जरूरत होती है सेम डे पे, वन इज इनफ। और अगर आपके घर पे फेस स्क्रब खत्म हो गया है तो हाई फाइव। बेसिकली कॉफी लो, चीनी लो, डाल दो। नहीं, हम डालगोना कॉफी नहीं बना रहे गाइस, हम बना रहे हैं कॉफी फेस स्क्रब। ठीक है, इसके लिए आपको चीनी डालनी है, कॉफी डालनी है और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल हो गया या फिर ऑलिव ऑयल हो गया वो डाल दो। अब ये प्रोपोर्शन मत पूछना, ये TSP और टेबल स्पून वगैरह मुझे नहीं पता, अंदाजे से डाल लो यार। बिरयानी नहीं बना रहे आप बस फेस स्क्रब बना रहे हैं, सो जस्ट कीप इट सिंपल, डोंट स्ट्रेस। अब आपको बस इसको फेस पे लगा लेना है। ठीक है, लग नहीं रहा। इससे आपका फेस एक्सफोलिएट हो ना हो वो पता नहीं, पर जमीन जरूर गंदी हो जाएगी, तो मम्मी की चप्पल खाने के लिए रेडी रहिएगा।
उससे भी थोड़ी एक्सफोलिएशन हो सकती है स्किन की. लाइटली स्क्रब दिस ऑन फॉर 3-4 मिनट्स. प्लीज आराम से करना, अपनी एक्स की खुंदक नहीं निकालनी अपनी स्किन पे. ओके, जस्ट बी जेंटल. सो व्हेन यू डन विद दिस जस्ट गो वॉश इट ऑफ विद वाटर. आई एम गोना डू दैट एंड कम बैक. Okay, so I have washed my face and my skin has become soft because all the dead skin cells are gone. And jo coconut oil mein thoda sa oil hota hai, that has moisturized my skin also a little, so that's great. Okay, step number 2 is toning. Ye hota hai ek toner. और ये क्या करता है मैं आपको बताता हूँ. इन वेरी सिंपल टर्म्स, आपकी स्किन पे पोर्स होते हैं और उस पोर में जब डर्ट जाती है तो आपको होते हैं पिंपल्स. जब आप इस पे टोनर लगाते हैं ऐसे, इट बेसिकली क्लोजेज योर पोर्स, तो उसके अंदर कम डर्ट जाएगी. कम डर्ट जाएगी मतलब कम पिंपल्स होंगे. ऑल्सो अ टोनर मेंटेन्स द पीएच बैलेंस ऑफ योर स्किन. इसका मतलब ऑनेस्टली मुझे पता नहीं है, ये सब बोलते हैं तो मैं बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें लगे कि मैं स्किन केयर एक्सपर्ट हूँ. अदरवाइज तो मेरा केमिस्ट्री में काफी डब्बा बोलता स्कूल में. But anyway, yes, it maintains the. ये आप किसी भी केमिस्ट शॉप पर जाएंगे आपको टोनर्स बहुत easily मिल जाएंगे. Just buy anyone. There are some which are very organic and very natural and alcohol free and chemical free. But the thing is that those toners are slightly expensive. अबे जाना. If you don't want to spend much money on expensive toners, just get any regular one. There are also some natural things that work just as good as toners. For example, rose water is a natural toner. But actually, rose water to aur bhi expensive hota toner se. Tum toner hi khareedna hai. Aur varna there's aloe vera gel. Obviously, aloe vera gel is a great natural toner. So बस थोड़ा सा फ्रेशली स्क्वीज्ड एलो वेरा जेल लो, हाथों में लगाओ एंड जस्ट लाइक पुट इट ऑन योर फेस. आई एम करंटली यूजिंग द ब्लॉसम कोचर अरोमा मैजिक. यार ये सब ये करने से पहले पढ़ना होता है ना. रुको. ब्लॉसम कोचर अरोमा मैजिक एरोमैटिक स्किन टोनर. हमारी क्लेंजिंग हो चुकी है, हमारी टोनिंग हो चुकी है. नाउ इट्स टाइम फॉर स्टेप नंबर 3 व्हिच इज मॉइस्चराइजिंग. जस्ट गो फॉर द क्रीम दैट इज इन योर हाउस राइट नाउ. आई वुड नॉट एडवाइस यू टू गो आउट, इट्स लॉकडाउन, डोंट गो आउट एंड बाय. बट आई डिड आस्क यू टू गो आउट एंड बाय अ टोनर. तो जब टोनर खरीद रहे हो तब खरीद लेना साथ साथ. हाँ ठीक है, ठीक है. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको खरीदना चाहिए एक क्रीम बेस्ड फेस क्रीम. और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो यू शुड बाय समथिंग व्हिच इज जेल बेस्ड. और अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो मतलब फिर तो भगवान ही मालिक है आपका, मेरे को नहीं पता आपका क्या होगा. तो देखो मेरी स्किन थोड़ी ड्राई टाइप है, तो द कील्स अल्ट्रा फेशियल क्रीम. ढक्कन थोड़ा टूट गया यहाँ से, बट कोई बात नहीं. एंड डोंट फॉरगेट द नेक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इवन दो आई हैव कंसिस्टेंटली फॉरगॉटन द नेक इन ऑल द प्रीवियस स्टेप्स, but you don't. Step number 4 is sun protection. I know CTM mein sirf 3 steps hote hain, cleansing, toning, moisturizing, but I think sunscreen is one of the most important skincare products that you should have. Uses to aap logo ko I'm sure pata hi hai, sunscreen se tanning nahi hoti aur aapki skin ko UV rays se bachata hai. Aur agar aap ghar ke bahar nahi nikal rahe, agar aap ghar ke andar bhi baithe hain to bhi aapko sunscreen lagani zaruri hai, because the UV rays will reach your skin. Photoderm Max 50 Plus, this is what I'm using currently. Sunscreen ना बहुत ज़रूरी होती है. And my only problem with sunscreen is कि जितने brands हैं ना, most of the brands make a sunscreen जिससे आपकी skin बहुत ऐसे white लगने लग जाती है. And it looks very sticky and it looks very क्या बोलते हैं उसको, oily. तो that's why I've invested in this Bioderma की sunscreen, because it's slightly expensive. It's not, I wouldn't say that it's very affordable, but it's a great product. And so I thought that investing in this makes sense. But अगर आपको उतने पैसे नहीं खर्च करने, which is understandable, so I think you can go for other brands in the market. I'm pretty sure इससे कम price में भी आपको एक अच्छी sunscreen मिल जाएगी. Step number 5. I know मैंने बोला था सिर्फ 4 steps होंगे, but this one is actually the most important, guys. In fact, अगर आप पहले के steps ना भी करो तो चलेगा, but ये जरूर कर लेना. And the step number 5 is to subscribe to my channel and press the bell icon. So that was it, my first skincare video. I hope you guys enjoyed watching this. Tell me in the comments if all of this makes sense to you. Tell me in the comments if you want to watch more skincare videos. I mean, main to anyway banaunga hi waise bhi, but comments aayenge to lagega na ki channel happening hai, remember. So please do drop a comment and please follow this skincare routine for at least 7 to 10 days to see the difference. Aur agar aap log ye skincare routine follow karte ho, so please tag me on Insta stories and use hashtag skincare is for everyone, because that is what I'm planning to call this series. और क्या बोलना था,
ये वीडियो लंबा है बट ये रूटीन फॉलो करने में आपको दिन में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे. सो प्लीज डू ट्राई इट. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई लव यू गाइज़.